लेकिन इन्होंने 300 में मात्र हमें लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय कराया है ऑटो वाले ने, और 30 किलोमीटर सिर्फ 300 दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे आपका नंबर आता है, स्क्रीन पे नंबर लेके आपको, और वहाँ पे जब आपको टोकन मिलेगा छोटा सा तो उस पर आपको नंबर शो होगा, थोड़ी आपको मिलेंगी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ से आप मतलब इतना समझ लीजिए अगर आप आते हो तो। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद का AIG हॉस्पिटल, और यहाँ का ट्रीटमेंट हमने YouTube पे भी देखा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा, तो आज हम आपको एक ब्लॉग देने वाले हैं। यहाँ से हैदराबाद तक का सफ़र रहेगा, यहाँ अभी हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हैं, यहाँ से बस जाएगी सीधा हैदराबाद, और अभी हम बस में जाके एक वीडियो शूट करेंगे उसके बाद सीधा हैदराबाद पहुँचेंगे। तो अभी अपने घर से हम निकल रहे हैं यहाँ पे, और हम दोनों जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। कैसा वहाँ का ट्रीटमेंट रहता है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और कुछ इस प्रकार का हमारा बीजापुर का बस स्टैंड है, अभी बाहर से दिखाऊंगा। ये हम दोनों लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारा अगर पोच दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपको पोच दिखाता हूँ, उसके बाद बाहर भी दिखाऊंगा कैसा है। और अभी बीजापुर से सीधा निकलेगी तो पटनम होते हुए, सिरोंचा होते हुए, यहाँ पे दो बस जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद जा सकते हैं फिर बीजापुर से। जगदलपुर से निकलती है लगभग 7-8 बजे, 7 या 6:30 बजे, और यहाँ जाती है 10 बजे, और यहाँ से बस निकलेगी 10:10 पे, 10 मिनट का हॉल्ट रहता है, और सीधा यहाँ से पटनम चली जाती है। तो दो बस हैं, एक बस वारंगल होकर जाती है और एक बस सिरोंचा होकर हैदराबाद जाती है। दो रूट से जाती है, दोनों रूट सेम ही है, बट क्या है, जितने भी वारंगल वाले लोग हैं वारंगल होकर जाते हैं और बाकी लोग सिरोंचा होकर जाते हैं। तो ये इसका रूट है दो बसों का, एक बस सुबह जाती है, टोटल 3 बस हैदराबाद यहाँ से जाती है जगदलपुर वाले रूट से। अभी मैं आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ हमारा कैसा कोच है और क्या है, तो वीडियो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा कोच है, और ये देखिए ये पर्दा लगा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ तक बंद है, ये देखिए ये पूरा यहाँ तक का पैकिंग दिया हुआ है, और यहाँ से खुला है रास्ता, ये हमारा पर्दा है, और ये पूरा कोच पैकिंग है, और यहाँ से देखिए एक एसी का हवा आ रहा है। इसको सबसे बड़ी गलती, यहाँ पे बंद करने का ऑप्शन नहीं है, इसे बंद करने का ऑप्शन देना चाहिए। दो एसी का हवा यहाँ पे है, इसको तो बंद कर सकते हैं, ढक्कन जैसा है, और दो लाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे कांच हटाने वाला, कई गाड़ी में पैकिंग रहता है तो दिक्कत हो जाता है, हमें उल्टी उल्टी कहीं आ जाए तो नहीं होता, लेकिन ये खुला है तो सबसे बड़ी बात है। और ये है हमारा बीजापुर का प्रतीक्षालय, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पीछे आपको प्रतीक्षालय दिख रहा होगा, और ये पूरा एरिया है, आगे वहाँ पे टिकट वगैरह काटने का है, और ये आगे इधर से हम लोग इधर सीधा हम लोग इधर आगे से निकलेंगे आगे रूट की तरफ। तो अभी अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइम है, और 10:17 हमारा टाइम हो रहा है, यानी कि 10:10 पे निकलेगी बस। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अब सीधा एक ही बार में हैदराबाद में। पहुँच चुके हैं पट्टनम से आगे, और तिमेड़ जो पड़ता है पुलिया उसके बीच में, वहाँ एक हाईवे ढाबा है, वहाँ पे खाना वाना खाने के लिए। टाइम अगर आप अभी देखेंगे तो 11:27 टाइम हो रहा है, और नींद सोए थे, थोड़ा देर उठे हैं, 11:27 हो चुका है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं MBSC बस स्टैंड, और मैं लोकेशन आपको सेंड करके दिखा दूंगा लोकेशन कौन सा है। और यहां से अभी हम लोग आप ऑटो वगैरह बुक करके भी AIG हॉस्पिटल जा सकते हैं। ऑटो का लगभग 300 हमसे मांग रहे हैं, देखते हैं कुछ कम करा के 300 से आप लोग बोल रहे हैं। ओला वगैरह भी चाहे तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। और यहाँ का अगर लोकेशन दिखा रहे करूँ तो सामने में बस स्टैंड है, मेट्रो है, और इस जगह का नाम है महात्मा गांधी बस स्टैंड। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ का। तो चलिए अपने ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग AIG हॉस्पिटल आ चुके हैं, हमारे पीछे AIG हॉस्पिटल है, और यहाँ पे एक दिक्कत है, आपको यहाँ पे कोई रूम देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने बात किया है रूम का, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता रहे हैं, 1500-1800 नॉन AC का नॉर्मल रूम बता रहे हैं। हमने कॉस्ट कम कराया तो 1400 तक आए, उससे कम नहीं कर रहे थे, तो हम वहाँ से वापस आ गए। अभी देखते हैं हॉस्पिटल में पहले क्या है कंडीशन, अगर रूम की जरूरत पड़ेगी तो हम रूम लेंगे, रूम तो शायद लेना ही पड़ेगा, बट अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन होती है। बाकी ऑटो वाले ने बहुत अच्छा, हमें ऑटो वाले मिले थे, उनका डिस्क्रिप्शन में और नीचे नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके उनसे कहीं से भी आ रहे हैं तो उनको बुक करा सकते हैं, आपको अगर हैदराबाद घूमना है तो भी बुक करा सकते हैं। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रेट में हमको यहाँ पे मिलेगा, लगभग 600 या 700 रुपये मुझे लगा था कि मैं कम करा के कर पाऊँगा या 1000 रुपये तक, लेकिन इन्होंने 300 में मात्र हमें लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय कराया है ऑटो वाले ने, और 30 किलोमीटर सिर्फ 300 रुपये में हम यहाँ पे आए हैं, और वो उन्होंने अपने मन से मांगा, हमें कुछ कहना नहीं पड़ा। तो आप लोग पहले पूरा पता करिए कि कैसा है क्या है, उसके बाद आप लोग करिए। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा है हॉस्पिटल। अभी
अभी तो मेन गेट पे है, आपको बोलेंगे ऑटो वाले को तो सीधा मेन गेट पे लाके छोड़ देंगे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है और उसके बाद आपको कैसा वहाँ का ट्रीट होता है क्या है। 10 बजे से डॉक्टर बैठते हैं, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्या करना पड़ता है। फुर्सत में पहले अंदर चल के देखते हैं। जब आप हॉस्पिटल में घुसोगे तो सामने आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको यहीं पे जाना है सामने, और यहाँ से आपको पहले अपना वो कराना है, टिकट कटाना है, पहले पर्ची बनवाना है फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट यहाँ काउंटर में सबसे नीचे फ्लोर पे ही है, उसके बाद आगे हम जाएंगे। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ से अपना एक हमें फाइल मिली है इस प्रकार की, सबसे पहले यहाँ पे एंट्री में, और 100 रुपये यहाँ पे फीस देना पड़ता है इस फाइल का। और AIG हॉस्पिटल में सबसे पहले आपको आना है तो एक टोकन लेना है, साइड में कंप्यूटर में एक टोकन मिलेगा इतना नंबर का, और सामने पूरी स्क्रीन लगी है, और आगे पीछे आपको बैठ जाना है। मतलब कि आपको मैं पीछे कैमरे से दिखाता हूँ पहले, यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने वो लेडीज़ खड़ी है, उनके पीछे कंप्यूटर खड़ा है वाइट कलर में, और इसके पीछे आपका टोकन नंबर कटता है, वहाँ से आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ऊपर स्क्रीन पे आपका नंबर आता है, स्क्रीन पे नंबर लेके आपको, और वहाँ पे जब आपको टोकन मिलेगा छोटा सा तो उस पे आपको नंबर शो होगा, उस नंबर पे जब आपका स्क्रीन पे वो नंबर जब आएगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको टोकन मिल जाएगा और आपको ये हॉस्पिटल का फाइल मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कहाँ जाना है। तो ऊपर बताया गया हमें फर्स्ट फ्लोर हेल्प डेस्क पे जाना है, तो चलिए हम वहाँ लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं क्या है वहाँ का सीन। तो जब आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको पहले जाके वहाँ एक टोकन लेना है, सबसे पहले छोटा सा टोकन मिलेगा, नहीं आपको पता है डायरेक्ट बिलिंग काउंटर पर नहीं जाना है, साइड में ये कंप्यूटर वहाँ पर टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद से वहाँ से आपको सीधा चले जाना है, वहाँ वेट करना है, बैठ के सामने वेटिंग लिस्ट है, बैठना है नीचे भी, और वहाँ पे आपको डिस्प्ले पे आपका टोकन नंबर का नंबर शो होगा। तो जैसे ही नंबर शो आपको जाना है वहाँ पे, वहाँ पे आपको पूरा एड्रेस वगैरह भरेंगे, आप आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे 100 रुपये फीस जमा करेंगे, वहाँ से ऊपर चढ़ के आएंगे, वो बताएंगे कहाँ जाना है आपको, तो वो लोग बताएंगे अगर आप पेट से संबंधित समस्या तो ऊपर भेजेंगे फर्स्ट फ्लोर पे हेल्प डेस्क। तो आप हेल्प डेस्क पे आएंगे तो वहाँ पे आपको फिर से एक टोकन, मतलब वो डॉक्टर पूछेंगे, पहले से अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आए किसी डॉक्टर का तो आप बता दीजिए डॉक्टर से आएँ, अगर नहीं लेके आए तो जो खाली रहेंगे डॉक्टर उनका आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे, और आप जाइए वहीं बाजू में एक और काउंटर है, वहाँ पे भी आपको एक टोकन लेना है और वहाँ वेट करना है, जैसे आपका नंबर आएगा वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको वहाँ पे अपना डॉक्टर का फीस 400 पे करना है, और वहाँ पे फिर पे करके सीधा आपको बताएंगे कौन सी जगह पे जाना है। मेरा N क्लस्टर था, पेट से संबंधित जो थे क्लस्टर N, तो मैं क्लस्टर N में चला गया, और वहाँ पे आपको BP चेक होगा और हाइट वगैरह सब चेक होगा, उसके बाद से उस पर लिख देंगे, और उसके बाद वेट करना है डॉक्टर के आने का। पहले नॉर्मल उनके असिस्टेंट डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद अगर उनसे केस नहीं संभला तो अपने मेन डॉक्टर को जो कि D नागेश्वर रेड्डी जी हैं उनसे हमारा बात होगा। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है तो आपको बताएंगे। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं हॉस्पिटल के टावर B में 7th फ्लोर पे, और यहाँ पे गैग्नोलॉजी है, और इस जगह पे हमारा एक्चुअली हुआ ये है कि अक्सर लोग आते हैं तो उनका इलाज 3-2 डॉक्टर से होता है, लेकिन हमारा हुआ ये है कि हमको 3 डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और अभी मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको कि कुछ इस प्रकार का यहाँ का हैदराबाद शहर दिखाई देता है, हालांकि बहुत ही छोटा सा भाग हमने दिखाया है। यह नया वाला हॉस्पिटल जिस जगह पे पूरा IT हब है, यहाँ बड़ी बड़ी आपको मिलेंगी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ से आप मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर आप आते हो तो कम से कम लगभग 50,000 का बजट लेके आना है आपको, और लगभग लगभग मेरे हिसाब से सोमवार को अगर आप आते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। सोमवार को आइए, मंगल बुध बृहस्पति 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप वापस रिटर्न ले लोगे। अगर बाकी दिन आते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अगर आपको घूमना वगैरह है तो फिर आप सैटरडे को आओ सवेरे, यहाँ पहुँच जाओ और एंट्री ले सकते हो। तो अभी हमारा हुआ ये है कि 3 डॉक्टरों में से पहले हमने MRI को बोला था, जो कि MRI एब्डोमेन पूरा बॉडी चेकअप होगा, 15,000 उसका रेट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो अभी हमने उसको नहीं किया है। हमें रूम मिल चुका है और अभी हम लोग यहाँ पे रूम में हमने स्टे कर चुके हैं, अगले दिन हम जाएंगे। अब आपको मैं फुर्सत से बताऊंगा कि क्या क्या हमारे साथ आगे क्या करना है, पूरा लास्ट तक बनी रही। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल बेड हमको मिला है, सिर्फ एक सिंगल बेड, और यही एक हमारा बेड है, इसी पे हम लोग रहेंगे। क्योंकि बेड में यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको रूम आप 2-3 जगह पता करिए, क्योंकि अगर एक जगह पता करके आप सोचेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा रूम का रेट बता रहे हैं, तो आप 1-2 जगह पता करिए तब जाके रूम लीजिए। मेरा ये रूम पड़ा है 600 रुपये का, हॉस्पिटल के जस्ट आप बाहर निकलोगे गेट से, और बाहर से जस्ट थोड़ा सा आगे आके और जस्ट इधर से नीचे रोड गया है, थोड़ा सा नीचे ढलान की तरफ आगे आओगे तो वहाँ होटल भी है, खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है, और बहुत सारा गेस्ट हाउस भी है, गली गली में अंदर घुसना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे हैं, तो आप पता कर सकते हो।
तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं हाथ मुँह धो के, और अभी मैं बताता हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो वहाँ उन्होंने लिखा, और हमारा प्रॉब्लम बहुत सारा था, किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम था, पेट से रिलेटेड भी था, और औरतों का लेडीज का प्रॉब्लम था। तो तीन डॉक्टर को हमने प्रिफरेंस किया, तीन डॉक्टर के पास दिखाना पड़ा, इसके वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ गया है। हालांकि मुझे लगता है कि 50,000 तक अप्रोक्स जाएगा हमारा बजट, लेकिन डॉक्टर को अगर हम नहीं दिखा, मतलब डॉक्टर को भी दिखाएंगे, तो फर्स्ट डॉक्टर ने लिख के दिया दो डॉक्टर से मिलने के लिए, और कुछ जांच लिखे जिसमें कि एक MRI एब्डोमेन था, जो कि पूरा कंप्लीट बॉडी जांच होता है, जो कि तकरीबन 15,000 के अप्रोक्स है, और एक जांच उन्होंने ब्लड का लिखा, और उसके अलावा एक और जांच उन्होंने लिखा था, कौन सा जांच था मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तीन जांच थे। तो वहाँ पे उनका जांच हमने कराया, जिसमें आधा जांच हुआ आधा नहीं हो पाया, क्योंकि तीन डॉक्टर पास मिलते में ही हमारा टाइम वेस्ट हो गया और हम जा नहीं पाए जांच कराने। तो संडे कल, आज तो शनिवार है, संडे को क्लोज रहेगा, पूरा बंद रहता है, केवल बिलिंग वगैरह थोड़ा बहुत काम होता है, तो संडे को इसकी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल का सारा सामान जो है, दवाई वगैरह तुर्की से आता है, वहाँ बता रहे थे लोग, तो इसकी वजह से मंडे को भी हमारा एक स्कैन नहीं हो पाएगा, तो हमको ट्यूजडे तक वेट करना पड़ेगा और हम वेडनेसडे को जाएंगे। तो इतने दिन हमारा खर्च भी बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा, तो अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। एक चीज़ है, जो भी एक्सपीरियंस होगा हम शेयर करेंगे आपके साथ। अभी आगे हमारा, हमने ब्लड सैंपल दे दिया है सारे के सारे, ब्लड में कोई टेंशन नहीं है, कल जाके रिपोर्ट ले लेंगे। और इसके अलावा हमारा अभी हमें बचा है MRI भी कराना है, DTPA भी कराना है, और मतलब हमारा सारा स्कैन ही कराना है, अभी कोई स्कैन हुआ ही नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू बने रहना है। तो अभी ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करूँगा, अगले पार्ट में अब आपको बताऊँगा नेक्स्ट डे का क्या है, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। कल का दिन तो छुट्टी रहेगा, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है।